हेलो कही वेलकम बैक माय इज रसा मदराप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो जिन्होंने भी वो मेरा ग्राफ का लेक्चर नहीं देखा है दो लेक्चर से मैंने सबको कम्प्लीट किया है डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक लेक्चर में आपका डिस्प्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट ग्राफ मिल जाएगा आपको और एक लेक्चर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये दोनों मिल जाएगा आपको तो अगर वो दो लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज का क्लास आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है तो इस क्लास से पहले इस लेक्चर से पहले आप वो दो लेक्चर्स को कम्प्लीट कर लो जहाँ जहाँ मैंने सारा कंसेप्ट समझा रखा है आपको किस तरह आप एक ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को uh, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो मेरे पास आज कुछ क्वेश्चंस है चलिए क्वेश्चंस करते हैं ओके फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए ये हमें गिवन है एक टाइम ग्राफ इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है इसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख करके हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है देखो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैंने पढ़ाया है आपको क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो आइए बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो देखो ये हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे वेलासिटी सो ग्राफ से हमें क्लियरली दिख रहा है दैट एक्सेलरेशन इस पार्ट में कॉन्स्टेंट है एक ही एक्सेलरेशन देखो स्ट्रेट लाइन पैरल टू टाइम एक्सिस ये कहलाता है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन दैट मींस हमारा यहाँ तक ये पार्ट शो कर रहा है कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन तो वेलासटी टाइमग्राफ में कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन हम कैसे बनाते हैं इनक्लाइंड टू टाइम एक्सेस ये रहा आपका कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन देखो वेलॉसरी टाइमग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन तो हम अगर हमें कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बनाना है तो हमें स्लोप को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा और इस तरह का ग्राफ में आपका स्लोप कॉन्स्टेंट होता है तो ये हो गया आपका कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इन वेलासरी टाइमग्राफ आगे देखिए अचानक से वेलासरी ड्रास्टिकली ज़ीरो हो गया पहले वेलोसिटी सॉरी पहले एक्सेलरेशन था कांस्टेंट अचानक से एक्सेलरेशन ज़ीरो अचानक से एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ फिर अचानक से एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट हो गया दैट मींस एक्सेलरेशन इस पॉइंट के लिए इस इन दो पॉइंट्स के बीच में इन दो टाइम इंटरवल्स के बीच में हमारा एक्सेलरेशन जीरो है ठीक है तो एक्सेलेशन जीरो कब होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब इसका स्लोप जीरो होगा तो स्लोप जीरो कैसे होगा पैरेलल बना देंगे टाइम एक्सेस के पैरेलल अगर हम ये ग्राफ बना देते हैं लाइन बना देते हैं तो यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो स्लोप जीरो दैट मीन्स का एक्सेलरेशन जीरो फिर आगे देखते हैं अब इस टाइम इंटरवल्स के लिए देखिए यहाँ से यहां तक के लिए देखो फिर से एक्सेरेशन कॉन्स्टेंट हो गया मतलब फिर से यहाँ से एक्सेरेशन कॉन्स्टेंट ये रहा आपका कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन तो ये हुआ बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं क्लियर है चलिए सेकेंड क्वेश्चन अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है समझो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बोला गया दैट देर इज अ गर्ल जो अपने घर से जाती है पोस्ट ऑफिस और लेटर ड्रॉप करके वापस से वा, पोस्ट ऑफिस से घर वापस आती है तो इसका हमें करस्पॉन्डिंग टाइम ग्राफ बनाना है तो क्वेश्चन समझिए देखिए पे आपका डिस्प्लेसमेंट है यहां पे आपका टाइम है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते हुए हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाना है देखो यह लड़की यहां से गई ठीक है 100 मीटर्स ये आपका मीटर्स में डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर्स गई लेटर uh, ड्रॉप uh, की यहाँ पे लेटर पोस्ट की वापस से अपने घर आ गई तो यहाँ से स्टार्ट की ज़ीरो से हंड्रेड फिर हंड्रेड से घटते 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 वापस जीरो तो ये पूरा जर्नी इसका कितने टाइम इंटरवल्स में हुआ पहला हाफ जर्नी ये कंप्लीट की मतलब जाने का टाइम जाने के टाइम इसका टाइम लगा 50 सेकेंड्स और आने के टाइम इसे फिर लगा 50 सेकेंड्स तो जाने के टाइम 50 सेकेंड्स आने के टाइम 50 सेकेंड्स तो टोटल हो गया 100 सेकंडस दैट मीन्स ये हंड्रेड सेकेंड्स में पोस्ट ऑफिस से वापस आ जाती है लेटर पोस्ट करके हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इस पोर्शन के लिए इसे ले लेते हैं जीरो जीरो से फिफ्टी के लिए ज़ीरो से फिफ्टी सेकेंड्स के बीच के लिए हम सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो वेलोसिटी फोर वेलोसिटी फोर ज़ीरो टू फिफ्टी सेकेंड्स वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ही तो होता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दैट इज हंड्रेड माइनस जीरो चेंज इन टाइम इज फिफ्टी माइनस जीरो चेंज इन टाइम इज फिफ्टी माइनस जीरो तो ये हो गया हंड्रेड डिवाइडेड बाई फिफ्टी विच इज इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जब ये जा रही थी जीरो से जब ये हंड्रेड मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल की पोस्ट ऑफिस तक घर से पोस्ट ऑफिस कितना आ, किस स्पीड से जा रही थी टू मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई ठीक है तो हम मान लेते ये हमारा ओरिजिन है ज़ीरो और ये है आपका टू मीटर पर सेकेंड ठीक है ये वेलोसिटी है यहाँ पे आपका हो गया वेलोसिटी यहाँ पे आपका हो गया टाइम वेलोसिटी एंड टाइम यहाँ पे हो गया टाइम चलिए यह वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में ऊपर की तरफ और यह वेलोसिटी टाइम है सेकंड्स में यह टाइम है सेकंड्स में देखो तो जब ये घर से पोस्ट ऑफिस जाती है तो स्पीड इसका है टू मीटर पर सेकंड ठीक है दैट मीन्स इसका स्पीड है टू मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड है टू मीटर पर सेकेंड वेलासिटी तो ये रहा इसका टू मीटर पर सेकेंड कब तक कब तक टू मीटर पर सेकेंड कब तक इस स्पीड के साथ यह कब तक चली तो पचास सेकेंड तक चली तो यह रहा आपका यहाँ पे 50 सेकेंड्स ये पॉइंट है 50 सेकेंड्स का दिस इज़ uh, 50 सेकेंड्स ओके okay? 50 अब आगे देखो अब ये वापस पोस्ट ऑफिस से वापस घर आती है इस डिस्टेंस को से पूरे पूरे जर्नी को समझो ये रहा इसका घर होम और ये रहा इसका पोस्ट ऑफिस ये इस डायरेक्शन में जाती है इस डायरेक्शन में देखो इस डायरेक्शन में जाती है बीता वेलोसिटी ऑफ टू मीटर पर सेकेंड ठीक है और यहां से यहाँ से आते इसका डिस्टेंस है हंड्रेड मीटर्स ठीक है 100 मीटर्स का ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है देखो 100 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इसे टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 सेकंड्स और फिर जब ये यहाँ से वापस आती है इधर जब जाती है यहाँ से वापस आएगी तो किस वेलोसिटी के साथ आएगी ये तो v1 हो गया गई 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस आ रही है पोस्ट ऑफिस से वापस घर आ रही है तो देखो अब पोस्ट ऑफिस से घर तक आने का स्पीड निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक देखो यहाँ से यहाँ तक वापस आई तो यह आपका हंड्रेड मीटर पर सेकेंड यह है आपका यह है आपका हंड्रेड मीटर्स और यह है आपका जीरो मीटर्स तो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रही है बट टाइम यहाँ पे देखो टाइम है हंड्रेड माइनस फिफ्टी फिफ्टी सेकेंड दैट मीन फिफ्टी सेकेंड में वो गई और फिफ्टी सेकेंड में वो वापस आई तो अब यहाँ पे देखिए उसी डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रही है ना उसी डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रही है दैट मीन्स यहां पे जो वेलोसिटी टू मीटर पर सेकेंड था ये वेलोसिटी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ये डायरेक्शन देखो इधर पॉजिटिव लेंगे तो इधर लेंगे नेगेटिव दैट मीन्स अभी आने के टाइम इसका वेलोसिटी हो जाएगा माइनस टू मीटर पर सेकेंड पहले टू मीटर पर सेकेंड था अब ये हो जाएगा माइनस टू मीटर पर सेकेंड तो वापस आने के टाइम इसका वेलोसिटी हो गया ये माइनस टू मीटर पर सेकेंड और इसे टाइम कितना लगा फिफ्टी से हंड्रेड सेकेंड्स ठीक है ये टाइम सेकेंड्स में तो फिफ्टी से हंड्रेड सेकेंड तो ये रहा इसका ग्राफ देखो बहुत ही सिंपल था जाने के टाइम क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस तक जा रही थी तो जाने के टाइम 100 मीटर ट्रेवल की कितने वेलोसिटी से टू मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा इसका क्योंकि अभी जाने के टाइम डायरेक्शन वो है आने के टाइम डायरेक्शन चेंज हो गया अगर उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो वहां से आने का डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा तो यह रहा आपका माइनस टू जाने के टाइम प्लस टू आने के टाइम माइनस टू ठीक है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से आप बनाओगे तो ये रहा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लियर है आइए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन नहीं है चलो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है ड्रॉ आ वेलासिटी टाइमग्राफ ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स आफ्टर द अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट पहले इसको समझ लो ये है क्या यह है क्या इसको समझते हैं पहले हमें बोल रहा है एक स्टोन है हमारे पास हमने इस स्टोन को ऊपर फेंका किसी वेलासिटी के साथ हमें नहीं पता वो वेलासिटी कितना है हम मान लेते हैं हमने इस स्टोन को फेंका यू वेलासिटी के साथ तो ये स्टोन ऊपर जाएगा ठीक है ये स्टोन ऊपर जाएगा अच्छा जब ये स्टोन ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा कम होता जाएगा और एक हाइट पे आकर ये स्टोन कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा ठीक है यहाँ पे आप इसका वेलोसिटी हो जाएगा ज़ीरो किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हो तो वापस ऊपर से वो नीचे आता है तो जब आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटता जाता है और मैक्सिमम हाइट पहुँचने पर मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलासिटी ज़ीरो हो जाता है अब यहाँ से ये स्टोन वापस से गिरना शुरू करता है क्लियर है ये स्टोन वापस से गिरना शुरू करता है अब जब ये गिरना शुरू करता है तो वेलोसिटी जीरो से फिर धीरे धीरे, धीरे इंक्रीज होता है और जब यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट ये इस ये बॉल वापस यहाँ पे आता है तो इसका वेलोसिटी अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियली जिस वेलोसिटी के साथ फेंका गया था इस बॉल को उसी वेलोसिटी के साथ ये वापस आता है फर्क भी बस इतना हो जाता है दैट उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है जैसे अगर आप किसी बॉल को लो और इस बॉल को ऊपर फेंको विद अ वेलासिटी ऑफ टू मीटर पर सेकेंड तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ऊपर में इसका वेलोसिटी हो जाएगा ज़ीरो मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी घटता है ऊपर जाने के टाइम क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो बॉल ऊपर जाते 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 उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है अब ज़ीरो होने के बाद वापस बॉल अब नीचे मूव करना शुरू करता है तो जैसे ये बॉल नीचे गिरेगा तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा और इंक्रीज कितना होगा ये जो इनिशियल वैल्यू था आपका ये जो इनिशियल वैल्यू था जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंका था इस बॉल को ये वैल्यू इंक्रीज करके ये इसी वैल्यू को वापस से अटेन कर लेता है टू मीटर पर सेकेंड बट फर्क यहाँ पे ये है दैट वेलोसिटी इस पॉइंट पे जब फेंकने के टाइम फेंकने के टाइम वेलोसिटी आपका ऊपर के डायरेक्शन में था और नीचे आने के टाइम वेलोसिटी अब आपका नीचे के डायरेक्शन में ऊपर का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो नीचे का डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव दैट मीन्स जिस वेलासिटी के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे सबसे पहले उसका वेलासिटी घटेगा ऊपर जाने जाने तक फिर ऊपर से जब वो नीचे आएगा वापस तो वेलासिटी इंक्रीज़ करेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा माइनस टू हो जाएगा और इस पॉइंट पे आने पे इसका वेलोसिटी वही होगा जो यहाँ पे वेलोसिटी था जिस वेलोसिटी से फेंका गया था और बस इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया अब सिमिलरली यहां देखिए हमें बनाना है करस्पॉन्डिंग टाइम ग्राफ इस पूरे मोशन का ठीक है पूरा चीज़ वही है देखिए क्या है ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन कमिंग डाउनवर्ड आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनिंग सॉरी अटेंिंग द मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ये वापस आएगा तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है हमें आइए देख लेते हैं चलिए अच्छा है, एक और बात जितना टाइम इस बॉल को ऊपर जाने में लगा सपोज़ ये बॉल को ऊपर जाने में लगा दस सेकेंड दस सेकेंड या दो सेकेंड लगा या पाँच सेकेंड लिख लेते हैं सपोज़ इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा पाँच सेकेंड तो वापस ऊपर से नीचे आने में भी इतना ही टाइम लगेगा टी टू भी होगा फाइव सेकेंड दैट मीन्स टोटल जर्नी यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये दस सेकेंड में वापस आ जाएगा इस बात को भी ध्यान में रखना सपोज ये जीरो सेकेंड से बॉल को हमने फेंकना शुरू किया हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ठीक है तो वेलोसिटी अभी घटेगा क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा और जीरो हो जाएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी मानते हैं हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ हम बॉल को फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी की वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ठीक है ऊपर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और इधर है टाइम आपका सेकेंड्स में क्लियर है तो वेलोसिटी जब हम बॉल के ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी इस बॉल का घटेगा ठीक है कब तक घटेगा जब तक ये वेलोसिटी इसका जीरो नहीं हो जाता देखो फेंका हमने हमने फेंका यू वेलोसिटी के साथ तो यू वेलोसिटी के साथ धीरे 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 दी ऊपर गया और वेलोसिटी ज़ीरो हो गया फाइनली वेलोसिटी देखो जीरो हो गया कितने टाइम में तो हम मान लेते हैं ये टाइम इंटरवल टी और ये मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होता है तो मैक्सिमम हाइट पर यहाँ ये है वेलासिटी एट दी मैक्सिमम हाइट ठीक है मैक्सिमम हाइट पर इसका वेलासिटी है ये ज़ीरो अब यहाँ से क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया अब वहाँ से बॉल नीचे गिरना शुरू करेगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो अब वेलोसिटी उसी रेट से इंक्रीज करेगा जिस रेट से वेलोसिटी घट रहा था अब वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगा ठीक है और इंक्रीज करना शुरू करेगा वापस से यही वेलोसिटी आ जाएगा बस नेगेटिव साइन होगा तो इसका दो ग्राफ बन सकता है या तो आप ये ग्राफ बनाइए या तो आप इसक्राफ को पहले यह समझ लो ये आ गया आपका ठीक है नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा पहले वेलोसिटी जीरो हुआ फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है नीचे आने का टाइम और यहाँ तक वेलोसिटी इसी की इक्वल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी था तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी टी होगा तो पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक टू क्लियर है यहाँ जितना अगर ये टी लेगा तो यहाँ पे टू टी लेगा ट्वाइस हो जाएगा फाइव है तो पूरा जर्नी टेन ये सिक्स है तो पूरा जर्नी ट्वेल्व ये सिक्स जाने के टाइम सिक्स आने के टाइम टाइम सिक्स टोटल ट्वेल्व जाने के टाइम टी आने के टाइम टी तो टोटल टू टी तो ये हो गया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक और ग्राफ बनेगा इसी क्वेश्चन का अगर आप नेगेटिव वेलोसिटी के साथ बनाना चाहते हो ठीक है यहाँ अगर आप समझ गए कि ये वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो तब तो ठीक है बट अगर ऑप्शन में एक और ऑप्शन दे दे आपको इसका सपोज ये है आपका वेलोसिटी यू और ये वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो गया एट टाइम टी और फिर ये वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू किया बट इन अपोजिट डायरेक्शन अब ये वेलोसिटी जितना वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही वेलोसिटी ये होगा बस ये नेगेटिव ऑफ यू हो जाएगा ये वेलोसिटी इस तरह से भी हो सकता है ठीक है ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो टाइम टी पे और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना ये टाइम लगा देखो ये जो टाइम लगा है आपका ये जो टाइम लगा है ये टाइम और ये टाइम दोनों टाइम सेम होगा ये अगर t है तो ये भी t होगा तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल टाइम 2t हो जाएगा क्लियर है तो ये तीन क्वेश्चन थे और क्वेश्चन जो एन में आपके गिवन है आ, लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो क्वेश्चन करते हैं अब समझ गए इतना ओके अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 टू किलोमीटर पर आर अपलाइज द ब्रेक्स एंड एक्सल रेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन देर आर टू कार्स कार वन समझो क्वेश्चन को कार वन एंड कार टू तो फर्स्ट कार में बोल रहा है दैट इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है कार का ये 52 किलोमीटर पर आर ठीक है ये कार इस स्पीड के साथ मूव कर रही थी अब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो एक्सेलरेट करता है नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने का मतलब हुआ एक्सेल्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन में मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इसका डिक्रीज कर रहा है रिटार्ड कर रहा है ये कार ठीक है तो डिक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन तो फाइनली ये जो वेलोसिटी है ये कार रेस्ट पर आ जाएगा ठीक है द कार स्टॉप्स इन फाइव सेकेंड्स बोल रहा है कार फाइव सेकेंड्स के बाद रुक गया स्टॉप्स का मतलब अब फाइनल वेलासिटी जीरो हो गया कितने सेकेंड्स के बाद फाइव सेकेंड्स के बाद क्लियर है आइए दूसरा कार का डेटा देखते हैं द कार स्टॉप्स एट फाइव सेकेंड्स अनदर ड्राइवर गोइंग एट थ्री किलोमीटर पर आवर अब इस कार का दूसरा ड्राइवर है अभी से चला रहा है थ्री किलोमीटर पर आर की स्पीड से नाउ इन अनदर कार अप्लाइस हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन टेन सेकेंड्स ये भी कार स्टॉप हो जाता है फाइनल वेलोसिटी जीरो कितने सेकेंड्स में टेन सेकेंड्स के अंदर ये स्टॉप हो जाता है ऑन द सेम पेपर प्लॉट करना है हमें टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी ग्राफ बनाना है सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम बताएं आपको कि आपको यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा यूनिट्स देखना पड़ेगा तो देखो यहाँ पे यूनिट है किलोमीटर पर आवर और टाइम है सेकंड्स में तो हम सबसे पहले यूनिट्स को सेम कर लेते हैं तो 52 टू किलोमीटर्स पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होगा 52 टू इंटू फाइव बाई एटीन टू नाइन ज़ार एटीन टू टू ज़ार फोर टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व फोटीन पॉइंट फोर सेकेंड्स ही आ गया फोर्टीन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड सिमिलरली अब इसे देखो थ्री किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में फाइव बाई एटीन तो थ्री सिक्स एटीन सो ये आ गया आपका फाइव बाई पर सेकेंड विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट थ्री मीटर पर सेकेंड अब हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ही ग्राफ पेपर में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं वाई एक्सिस में है वेलोसिटी इन मीटर सेकेंड और एक्स से एक्सिस में टाइम इन सेकेंड चलिए तो डेटा क्या क्या गिवन है इनिशियल वेरा पहले कार वन का बनाते हैं पहले कार वन ये स्टार्ट किया 14.4 मीटर पर सेकेंड से चलना तो हम इंटरवल ले लेते ले ले हैं जीरो इंटरवल ले लेते ले ले हैं टू टू का ठीक है टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन क्लियर है तो दो दो का इंटरवल ले लेते हैं हर दो इंटरवल के बाद हम ग्राफ बनाते हैं दो इंटरवल का लेकर के ले करके और टाइम देखो टाइम है पाँच सेकेंड और दस सेकेंड तो हम टाइम को वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड वन वन इंटरवल लेते हैं फोर सेकेंड फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ध्यान देना ये इंटरवल्स आपका इक्वल होना चाहिए अलग अलग डिस्टेंस मत ले लेना बिल्कुल सेम इंटरवल लेना है आपको अगर ये ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये होना चाहिए उतना ही ये होना, होना चाहिए इक्वल डिस्टेंस पर रखना सबको चलिए इनिशियल वेलोसिटी है फोटीन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड देखो फोर्टीन पॉइंट फोर लगभग यहाँ पर आएगा फोर्टीन पॉइंट फोर अंदाजे से ठीक है लगभग एक एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आ पाएगा यहाँ से बट अंदाजे से फोटीन पॉइंट फोर यहाँ पर आएगा और ये कार क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गया ठीक है कितने टाइम के बाद पाँच सेकेंड के बाद तो पाँच सेकेंड के बाद ये कार का फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है मतलब कार का ये जो एक्सेरेशन uh, है ये नेगेटिव डायरेक्शन में देखो रिटार्ड कर रहा है कार और पांच सेकंड के अंदर इस कार का वेलोसिटी जीरो देखो पॉइंट पॉइंट ये आपका है मीटर पर सेकंड और ये है आपका जीरो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया ब्रेक लगाया कार ड्राइवर जब ब्रेक लगाया कार में तो कार धीरे 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 डीसेलरेट हुआ और पांच सेकेंड के बाद कार का एक्सेलरेशन जीरो क्लियर है कार का एक्सलेशन सॉरी कार कार का वेलोसिटी जीरो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया ये फर्स्ट कार का सेकंड कार का देखो सेकंड कार का इनिशियल वेलोसिटी था 0.83 मीटर पर सेकंड तो 0.83 लगभग यहाँ पे आएगा टू से थोड़ा नीचे ये टू से थोड़ा नीचे और कितने टाइम के, के बाद दस सेकेंड के बाइज का फाइनल फाइनल वेलासिटी ज़ीरो हो गया दस सेकेंड के बाद तो यहाँ से आप ये ग्राफ बना सकते हो ठीक है स्केल से बनाना मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है स्केल से बनाओगे इस तरह से बनेगा तो 10 सेकेंड के बाद इसका वैलासिटी जीरो तो ये रहा दो कार्स का क्या ग्राफ ठीक है आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में और क्या पूछा है? ये कार कार्बन का बड़ा वाला ग्राफ ये ग्राफ दिख रहा है आपको कार्बन का और ये आपका कार टू क्वेश्चन आगे क्या है विच ऑफ टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड बताना है कौन सा कार ज्यादा दूरी तय किया कौन सा कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताना है तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता होगा डिस्टेंस एरिया अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ठीक है यही तो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या तो डिस्टेंस निकलेगा या तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा बात वही है क्योंकि डिस्टेंस हमें पूछा है तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं एरिया निकाल करके तो एरिया ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार इज इक्वल टू एरिया अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम टाइम ग्राफ ग्राफ निकालते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले वाले कार का देखो पहले वाला ग्राफ का ये पहले वाले कार का ये ग्राफ बना था इसका एरिया देखिए एरिया इनक्लोज अंडर दिस ट्राइंगल होगा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इन हाइट तो हाफ इंटू बेस क्या है देखो इस ट्राइंगल का जीरो से लेकर फाइव तक बेस फाइव इंटू हाइट कितना है देखिए जीरो से फोर्टीन पॉइंट फोर जीरो से दैट मीन्स फोर्टीन पॉइंट फोर इसका हाइट है टू सेवन जार फोरटीन एंड टू टू जार फोर दैट इज़ फाइव टू ज़ार टेन जीरो कैरी वन फाइव सेवन जैर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स तो इसका आंसर आ गया थर्टी सिक्स मीटर्स ये कार, कार वन ट्रेवल किया है थर्टी सिक्स मीटर्स कार टू कितना ट्रेवल किया देखो इसका भी हम एरिया uh, निकालेंगे फॉर कार टू एरिया इज इक्वल टू हाफ इं बेस इं हाइट कार टू के लिए एरिया देखिए हाफ इंटू बेस बेस इसका टेन हाफ़ इं टू टेन हाइट है इसका जीरो से हाइट कितना था यहाँ पे जीरो से जीरो पॉइंट एट थ्री है जीरो पॉइंट एट थ्री है ऊपर वाला डिस्टेंस जीरो पॉइंट एट थ्री तो ये आ गया टू फाइव ज़ार टेन तो ये आ जाएगा आपका फाइव थ्री जो फिफ्टीन कैरी वन फाइव एट ज़ार फोटी फोर्टी वन फोर्टी वन पॉइंट फाइव मीटर्स तो देखो कौन सा कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया uh, ये क्या अच्छा सॉरी ये फोर पॉइंट वन फाइव होगा दिस इज़ फोर पॉइंट न फाइव तो कौन सा कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया देखिए ये कार, कार ए ट्रेवल करता है थर्टी सिक्स मीटर्स और कार बी ट्रेवल करता है फोर पॉइंट वन फाइव मीटर्स देयर फोर फर्स्ट कार फर्स्ट कार ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस मोर डिस्टेंस देखो सिंपल सा था तो इसी तरह आपको ग्राफ में सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है इसलिए मैंने ग्राफ को पहले दो लेक्चर्स में कंप्लीट कराया अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं और इस, इस लेक्चर के बाद हम करेंगे डेरीवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफ्स अब ग्राफ हम सीख चुके हैं अच्छे से तो हम इसके बाद डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास ऑलरेडी एक ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवेन द ग्राफ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लेट मीन ड्रॉ दिस ग्राफ कुछ वैल्यूज गिवेन इस ग्राफ में एक्यूरेट तो मुझे नहीं लगता बनेगा बट फिर भी ट्राई करते हैं बन गया तो ठीक है ये है बी दिस इज बी ओके लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बना है बट एक बार एन का क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ एन एक बार एन बुक खोल करके मैच कर लेना वहाँ आपको ग्राफ में मिल जाए कुछ छोटे छोटे डिविजन्स भी किए हैं आपको मैंने यहाँ पे नहीं बनाया वो ठीक है चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द थ्री इज़ ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट ये तीन कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तीन ऑब्जेक्ट्स है ए बी और सी इसमें से पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है देखो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते थे तो यहाँ पे जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो तेज ट्रेवल करेगा तो स्लोप देखो किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको ये है ये ग्राफ बी है ये थर्ड ऑब्जेक्ट है ये सी है और ये ए है तो यहाँ से क्लियरली बी का स्लोप ज़्यादा है स्लोप ऑफ slope of b is more than slope of a and c okay? slope of b is more than slope of a and c therefore c is traveling fastest c is traveling fast a okay? faster than b and uh, sorry बी का स्लोप ज्यादा है तो बी इज ट्रेवलिंग फास्ट सो बी इज ट्रैवलिंग फास्ट सॉरी बी होगा बी इज ट्रेवलिंग फास्ट ओके नंबर बी सेकेंड क्वेश्चन आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड क्या क्या तीनों एक ही पोजिशन पे मिले कभी रोड पे तो देखो कब मिलेंगे ये मैंने बताया था इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने कराया ऑलरेडी पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने कराया ये क्वेश्चन देखो ये तीनों एक जगह कब मिलेंगे जब इन तीनों का ग्राफ एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करता होगा यहाँ ग्राफ से देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ भी एक पॉइंट ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा हमें मैं जहाँ ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हो तीनों किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं देयर फोर नो दे डोंट नो दे डू नॉट मीट एट एनी कॉमन पॉइंट ठीक है अगर ये तीनों किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते ग्राफ में तभी हम बोल सकते थे कि वह तीनों कहीं पर मिले होंगे ठीक है बट ऐसा हो नहीं रहा ग्राफ से हमें क्लियरली दिख रहा है सी हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड वेन बी पासिस ए